क्या वाकई एंकर बनने के लिए 25 दिन दरकार है या इससे ज़ायद का भी अर्सा लग सकता है या 25 दिन से पहले भी ट्रेनिंग मुकम्मल हो सकती है? देखिए, एक न्यूज़ एंकर में एक न्यूज़ रीडर में बहुत फ़र्क है। तो एक जो न्यूज़ एंकर है उसके लिए डिजिटल मीडिया पर भी रहना बहुत ज़रूरी है। तो किसी के पास इतना टाइम नहीं यूथ के पास के बैठ के पूरे घंटे का न्यूज़ बुलेटिन सुने, फिर उसके अंदर 20 मिनट की ब्रेक भी देखे, क्योंकि उनको जो चाहिए, उनको जो सुनना है, जो देखना है, वो उनके वन टच पे है। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचने का आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, अच्छे से अच्छा फ़ोन आ गया, आपके पास अपना कैमरा है, आपके पास क्रोम है, आपके पास कंटेंट है, आप अपने डिजिटल मीडिया पे अपना प्लेटफॉर्म बनाओ, आप उस पर शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजा ज़ेब। हमारे आज के प्रोग्राम के गेस्ट अली बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर हैं, सहाफ़ी हैं और इन्होंने सिटी न्यूज़ नेटवर्क से अपने करियर का आगाज़ किया और इस वक्त करंटली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ एज न्यूज़ एंकर वाबस्ता हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, बिना वक्त को ज़ाया किए इनसे बात करते हैं। अली भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस प्रीशियस टाइम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पे ऑनर फॉर बुलाया है। नहीं, इट्स एन ऑनर फॉर अस कि हम बैठे हैं आपके साथ। सर, बहुत शुक्रिया। अरे भाई, मुझे बताइएगा आप कि आपके करियर का आगाज़ कैसे हुआ? आप शुरू से ही न्यूज़ एंकर बनना चाहते थे या आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम डिसाइड किया? मैं कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो होना है ना, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, वी प्लान एंड गॉड प्लान। तो कुछ ऐसे ही था, मेरी स्कूलिंग हुई PF कॉलेजेस से। ठीक है, सब मेरे एयरफोर्स में थे। अच्छा, तो PF कॉलेज कराची, PF कॉलेज कोहाट, PF कॉलेज मियांवाली, इस तरह PF की स्कूलिंग हुई। ठीक है, तो बचपन से एक शौक था, इंटरेस्ट भी था दैट आई एम आल्सो गोइंग टू जॉइन एयरफोर्स। अच्छा, फर्स्ट ब्रांच में हो जाए तो सही जी। तो जहन में यही सोच थी, यार ऑफिसर बनेंगे, एयरफोर्स में जाएंगे। बड़ा भाई भी चला गया, वो भी माशाल्लाह फाइटर पायलट बन गया। तो मेरे अंदर और ज़रा शौक हुआ, मैं काम करूँ। तो गया, टेस्ट वगैरह दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेडिकली अनफिट हो गए, तो नहीं कंटिन्यू कर सके। अब उसके बाद मुझे था कि अब प्लान बी पहले तो कभी सोचा ही नहीं था ना, क्योंकि शुरू से सोचा ही ये था कि यहाँ जाना है, पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना, उसको ही ज्वाइन। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन, फिर अम्मा जी की ख्वाहिश हो चाहती थी मैं डॉक्टर बनूँ, तो हम उस दौड़ में लग गए। अच्छा, हमने किप्स अकेडमी ज्वाइन कर लीजिए या मेडिकल में MBBS की तैयारी करें, एम कर दें, फेल हो गए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो वो भी नहीं हुआ। तो ये मीडिया में जो आना हुआ ना, ये तो बस ऐसे ही सडनली था। अब जब सारे रास्ते बंद हो गए, प्लान सी था कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढी जाए जहाँ पर मेरिट में एडमिशन मिल जाए, मेरिट में जाके पढ़ें, कि कोई ये ना हो कि फीसें देनी और ये कुछ करना है। नंबर अच्छे थे FSC के अंदर, तो पंजाब यूनिवर्सिटी देखी और इसके अंदर मैथ्स कम्युनिकेशन देखा, तो टॉप पे आ रहा था। तो मैंने कहा इसके अंदर मेरिट बन रहा है, फ्री एडमिशन मिल रहा है, मेरिट पे हॉस्टल भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, चलो ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन ले लिया, एडमिशन लिया ही है तो कोविड आ गया, हम दोबारा घरों को वापस। अच्छा यार, ये क्या हो गया अब? तो अब घर से जब वापस आया ना, तो पहले ही वीक चल रहा था, तो कैफ़े में बैठे हुए तो सिटी न्यूज़ नेटवर्क वालों का, ये सदाकत शाह साहब एंड हमीद नकवी साहब, ये जो बड़े नाम हैं सिटी के, बिल्कुल ये टैलेंट हंट इन्होंने शुरू किया। टैलेंट पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, पंजाब यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज जो डिपार्टमेंट में आए, बिल्कुल टैलेंट हंट इन्होंने किया। अब मैं तब थर्ड सेमेस्टर में था, तो थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट उसको हायर करना बड़ी एक वो थी। तो पहले तो एंट्री नहीं थी ना, बस एट सेमेस्टर वालों के लिए थी। ठीक है, तो मैं वैसे कैफे में बैठा हुआ, तो एक रिपोर्टर, उसने मुझे देखा, उसने मुझे कहा इधर आओ। मैंने कहा जी, अंदर इंटरव्यू हो रहे हैं, जो चले जाओ। मैंने कहा वो एट सेमेस्टर वालों के, मेरे लिए नहीं है, मैं थर्ड में हूँ। कहता नहीं नहीं जाओ जाओ जाओ, वो मुझे जबरदस्ती उसने अंदर भेज दिया। ठीक है, मैं अभी अंदर गया ही हूँ, तो वो जैसे ग्रूमिंग हुई हुई थी बचपन से, वो लुक प्रॉपर वो मिलिट्री की आ रही थी, मैं खड़ा ही हूँ। डेफिनेटली, तो सदाकत शाह साहब कहते हैं जी मिलिट्री से हो? अच्छा। मैं कहा जी सर। ठीक है, किस सेमेस्टर में? थर्ड सेमेस्टर में। शाम को मिलते हैं? मैं कहा ठीक। मैंने कहा ये कैसा इंटरव्यू हुआ? तो वही हुआ, उन्होंने मेरा नंबर लिखा, मैं वापस अपने हॉस्टल में आया, तो मुझे फ़ोन आ गया शाम को, आपने ना सिटी न्यूज़ नेटवर्क ऑफिस आना। ठीक है, तो उस दिन मैंने पहले दिन वहाँ का मेकअप रूम देखा, मैंने ये देखा कि स्टूडियो क्या होता है, खबर कैसे पढ़ी जाती है, अच्छा इस तरह एंकर बैठा होता है, ऐसे सारा कुछ स्टूडियो। बट आई फील यू आर लकी वन, एक वो स्टूडेंट जो भी थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में है और उसको सिटी न्यूज़ नेटवर्क जैसे इदारे से कॉल आती है कि आपको हम ऑफर करते हैं कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। आज तक ये कहता हूँ कि ये मेरी लक थी,
वरना लोग पता नहीं कहाँ कहाँ फिरते हैं, फिर जाके सिटी। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि मेरा अगला सवाल भी ये था कि बहुत से लोग स्क्रीन का तो काम आपको पता है वो है जिसमें लाखों लोग पहली लाइन में लगे हुए हैं और इसमें लाखों लोग ही एंकर बनना चाहते हैं, स्क्रीन पर आना चाहते हैं, स्क्रीन पर अपेयर होना चाहते हैं, तो यू आर लकी वन जिसकी सिलेक्शन तीसरे चौथे सेमेस्टर में हो गई। ये लक थी मेरी, लेकिन उसको लक को जो मैंने डिफेंड किया ना, वो मेरी जो मिलिट्री ने ग्रूमिंग की थी, जो मैं पीएफ कॉलेज स्कूल में पढ़कर आया था ना, वहाँ से जो ग्रूमिंग हुई उसने मुझे सपोर्ट किया। ठीक है, अब ऑडिशन हुआ तो ऑडिशन के अंदर सिटी वाले देखते हैं आपकी स्क्रीन, देखते हैं आपका वोकल, देखते हैं। अब ये तो गॉड गिफ्टेड चीज़ें, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, वहाँ पे भी लक चल गई, फिर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आ रहे थे उसके ऊपर, तो उन्होंने कहा ठीक है आपको हम इंटर्नशिप पर रख लेते हैं। ठीक है, अब कहानी जो है ना वहाँ से स्टार्ट होती है कि जब इंटर्नशिप पर रख लिया, मैं इंग्लिश डिबेटर रहा, इंग्लिश पढ़ी, इंग्लिश बोली, उर्दू का तो कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ, उर्दू क्योंकि हमारे कॉलेज सारी खबरें जितनी भी हैं वो उर्दू में प्रेजेंट करते हैं, तो हमने बचपन से वो इंग्लिश को ज़्यादा डोमिनेंस दी थी कि इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश बोलनी है, बिल्कुल इंग्लिश में डिबेट्स की, इंग्लिश में सारा कुछ, उर्दू नहीं आती थी। तो एक उस्ताद मिल गए अब्दुल हमीद नकीबी साहब, और उन्होंने पहले दो दिन तो मुझे ज़रा मेरा उन्होंने देखा स्टेमिना कब कहाँ तक रुक सकता है, तो ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, भी साहब वैसे ही आपको पता बड़े उस्ताद हैं, ये भी नहीं आता, चला जा तू नहीं कर सकता। अच्छा, ये वो ठीक है, मैं अगले दिन फिर उधर बैठा, फिर तुझे बताया ना मैंने तू नहीं कर सकता, तो ये नहीं आता, तो वो नहीं आता। तीसरे दिन मैं फिर बैठ गया आगे, कह रहे ठीक है यार अब मैं तुझे सिखाऊंगा। फिर उन्होंने 25 दिन मेरी ट्रेनिंग की। अच्छा, और 26th डे मैं ऑन एयर हो गया सिटी 41 पे। ठीक है, और सिटी 41 से बस फिर दिन रात यही था, ये सारी कश्तियाँ जला चुके थे, तो यही था कि जो करना है यही करना है। देन 41 के बाद उन्होंने 44 पे ट्रांसफ़र किया, रोही पे किया, सिटी 21 पे किया, 24 भी बीच में, फिर ऐसे उन्होंने घुमाते रहे। बिल्कुल, आप सिटी न्यूज़ नेटवर्क के तमाम चैनल्स का हिस्सा रहे हैं। अली भाई, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि आपने जो ट्रेनिंग का एक टाइम पीरियड बताया कि 25 दिन आपकी मुसलसल ट्रेनिंग होती रही, क्या वाकई एंकर बनने के लिए 25 दिन दरकार हैं या इससे ज़ायद का भी अर्सा लग सकता है, या 25 दिन से पहले भी ट्रेनिंग मुकम्मल हो सकती है? एक न्यूज़ एंकर में एक न्यूज़ रीडर में बहुत फ़र्क है। आप उन 25 दिनों के अंदर शायद पढ़ना आपको आ जाए हाउ टू डिलीवर, ठीक है, अगर आपकी स्कूलिंग अच्छी है, आपको उर्दू पढ़नी आती है, तो डिलीवर करना आप सीख जाओगे 25 दिनों के अंदर। ठीक है, न्यूज़ एंकर बनने का रास्ता बहुत लंबा है। आज मुझे यहाँ पे 2-2.5 साल अगर कैरियर में हो गए तो मैं स्टिल ये नहीं कह सकता कि मैं एक न्यूज़ एंकर बन चुका हूँ। ठीक है, वो एक लंबा सफ़र है। न्यूज़ एंकर टाइम टू टाइम होता है, 9 to 5 की जॉब है या 24 घंटे की ये जॉब? नहीं, एंकरिंग जो है ये 24 घंटे की जॉब है। अच्छा, अब जैसे दौर आ गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लस डिजिटल मीडिया डोमिनेट कर गया, तो एक जो न्यूज़ एंकर है उसके लिए डिजिटल मीडिया पे भी इन रहना बहुत ज़रूरी है, करंट अफेयर्स का पता होना ज़रूरी है का, क्योंकि खबर सबसे पहले सोशल मीडिया पर आती है, तो ये 24 घंटे का काम है, आपको हर वक्त इन टच रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आखिरी सांस ले रहा है, आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं वो सर्वाइवल उस तरह कर सकेंगे, या उन्हें दिस इज़ द राइट टाइम कि अब डिजिटल मीडिया की तरफ आ जाना चाहिए? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है, चाहे 10 साल हो, लेकिन अपनी वक्त कम करता जा रहा है, वक्त कम करता जा रहा है, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता। जो जैसे लोग जॉब करते हैं वो तो करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलता रहेगा, क्योंकि एक ऑथेंटिसिटी जो है ना वो अब तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कहते हैं, क्योंकि डिजिटल मीडिया पर हर किस्म की खबर आती है, उसको हम एज एन ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं समझ सकते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ऑथेंटिसिटी है। ठीक है, लेकिन अब जो दौर आ चुका है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक प्रॉपर न्यूज़ बुलेटिन लगा के सुने या देखें, शायद बड़ों के पास टाइम हो, हमारी यूथ के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ठीक है, क्या वजह है यूथ के पास टाइम नहीं है? यूथ के पास टाइम इसीलिए नहीं क्योंकि सोशल मीडिया आ गया, स्मार्टफोन्स आ गए, हम लोग किसी के पास भी इतना टाइम नहीं यूथ के पास कि वो बैठ के पूरे घंटे का न्यूज़ बुलेटिन सुने, फिर उसके अंदर 20 मिनट की ब्रेक भी देखे और उसके बाद की जो न्यूज़ है वो भी सुने, क्योंकि उनको जो चाहिए, उनको जो सुनना है, जो देखना है, वो उनके वन टच पे है। कोई खबर उन तक एक सेकंड में पहुंच जाएगी, वहाँ मतलब दुनिया के दूसरे कोने में कोई बकवा हो गया तो उनको एक सेकंड में पता लग जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले उसको खबर को उठाएंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर उसका पैकेज बनाएंगे, फिर जाके एंकर के पास आएगा, फिर 9 के बुलेटिन में चलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो सीन जो है ना वो नहीं पॉसिबल। ठीक है, इस वजह से डिजिटल मीडिया जो है ना वो आजकल वो डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, मेरा लिए अगला सवाल भी ये है कि वो स्टूडेंट्स जो मीडिया में आना चाह रहे हैं, मीडिया का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें एक सबसे बड़ा चैलेंज ये फेस करना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उस तरह स्पेस नहीं मिलती, खासकर जो स्क्रीन का काम करना चाह रहा है। व्हाट डू यू थिंक, अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऑप्शन नहीं मिलती और डिजिटल मीडिया का दौर है, तो उसे डिजिटल मीडिया में अपना कोई यूट्यूब चैनल बना लेना चाहिए? देखिए, अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, उनको चाहिए कि
टाइम ना ज़ाया करें, ठीक है, क्योंकि ये रेस लगी हुई है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, टाइम ज़ाया करने का बिल्कुल भी अब मौका नहीं है। तो आते साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपको एज अ न्यूज़ एंकर, अब जैसे मेरी तो चलो एक लक चल गई कि मैं थर्ड सेमेस्टर में ऑन एयर हो गया और मैं अपने डेढ़ साल बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्रेस न्यूज़ से बैठा हूँ, तो ये तो चलें लक हो गई, लक भी होगी, हार्डवर्क भी होगी। लेकिन जो नया स्टूडेंट आ रहा है, अब उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो किसी न्यूज़ चैनल पर बैठ जाए। जैसे आपने पहले बात की कि लाखों लोग हैं क्यों में लगे हुए, ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचने का आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, अच्छे से अच्छा फ़ोन आ गया, आपके पास अपना कैमरा है, आपके पास क्रोम है, आपके पास कॉन्टेंट है, आप अपना डिजिटल मीडिया पर अपना प्लेटफॉर्म बनाओ, आप उस पर शुरू कर दें। कोई भी आप, कोई भी आप डोमेन पकड़ लें, आप करंट अफेयर्स लेते हैं, आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, आप एक्सप्लोर करते हैं, आप दुनिया को बताएं पाकिस्तान क्या है, आपके पास हज़ारों ऑप्शन हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट को यही मशवरा है कि टाइम ना ज़ाया करें। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट घबराता है कि रश बहुत है, यूट्यूब है, हर बंदे ने यूट्यूब चैनल बनाया है, रश बहुत है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि क्वालिटी की जगह हमेशा रहती है। ट्रू, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आप क्वालिटी लेके आओ, आप क्वालिटी लाओगे तो आप वाई नॉट विल यू सक्सीड। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच अली भाई फॉर गिविंग अस दिस टाइम। और जो हमारी ऑडियंस है, यकीनन उन्हें बहुत कुछ आज जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा ज़ैब को इजाज़त दें, अल्लाह ने कहा।